राम एक शब्द के मंत्र हो जाने का उदाहरण है। राम का चरित्र जय और पराजय से पहले मर्यादा की तुला से बनता है। उन्माद जैसे तत्व तो राम के चरित्र के साथ मेल ही नहीं खाते। राम इसलिए महान नहीं है कि उन्हें अपनी पराजय के सामने धैर्य धरना आता है, वो तो इसलिए महान है कि अपनी विजय के क्षण में भी वे धीर है, विपरीत परिस्थितियों में संयत रहने वाला राम हो गया और अपेक्षा की उपेक्षा होने पर आपा खो देने वाला रावण हो गया। सागर का अहंकार राम की विनम्रता के आगे पानी पानी हो गया। राम भक्ति की प्रथम वरीयता है विनम्रता। राम बोलने के बाद अधर बंद हो जाते हैं, मानो कह रहे हो अब कुछ और बोलना शेष नहीं है। राम एक ऐसा नाम जिसका उच्चारण जितने गहरे स्वर में किया जाए मन उतना ही आराम पाने लगता है। राम एक ऐसा नाम जिसको पुकारने के लिए किसी विशेष मनोदशा की जरूरत नहीं होती, जो हर परिस्थिति के अनुरूप लय धारण करने में सक्षम है, जिसका उच्चारण एकाएक किसी साकार की छवि नहीं बनाता लेकिन किसी निराकार शक्ति से एकाकार कर देता है। संबोधन से लेकर अभिवादन तक, चिंता से लेकर चिंतन तक, भेंट से लेकर विदा तक और जन्म से लेकर मृत्यु तक, हर गाम पर राम का नाम अपने पूरे अस्तित्व के साथ उपस्थित रहता है। राम एक शब्द के मंत्र हो जाने का उदाहरण है। राम एक मनुष्य के ईश्वर हो जाने की कथा है। राम एक पुरुष के पुरुषोत्तम हो जाने का प्रमाण है। राम का चरित्र मर्यादा का एक ऐसा कथानक है जिसकी किसी भी परिस्थिति में कल्पना करके उस परिस्थिति का सर्वाधिक मर्यादित समाधान खोजा जा सकता है। राम का चरित्र जय और पराजय से पहले मर्यादा की तुला से बनता है। यही कारण है कि मंथरा द्वारा बुने गए छल को राम अपनी मर्यादा के बल से ध्वस्त करते हैं। सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो राम का आचरण अनापेक्षित आचरण है। संबंधों में संशय की सर्जना करने वाली मंथरा ये सोच भी नहीं सकती थी कि केकई जब वरदान मांगेगी तो राम इतनी सहजता से वनवासी हो जाएंगे, किंतु वर बंधक दशरथ के सामने राम ने जो आचरण किया उससे एक ही क्षण में केकई की जय पराजित हो गई। यह मर्यादित आचरण का ही परिणाम था कि जिस पुत्र के मोह में माता केकई ने साकेत का सारा सुख भस्म कर दिया, वही पुत्र राम के मोह में माता केकई और उनके उपलब्ध वरदानों को ठुकराकर राम के पीछे वन को दौड़ लिए। यह राम के आचरण की विजय थी, यह राम की मर्यादा की विजय थी। यदि राम दशरथ से अपने अधिकार के लिए लड़े होते तो शायद ननिहाल से लौटे भरत का व्यवहार बदल सकता था। वे मंथरा के सुझावों और मां केकई की हठधर्मिता को तर्कसंगत मान सकते थे, किंतु राम की मर्यादा ने इस स्थिति की संभावना ही समाप्त कर दी। संशय की जड़ें काटने का कौशल है राम। मर्यादा की सीमा में रहकर कल्पनातीत आचरण से राम हर असंभव को संभव बना देते हैं। वे कहीं भी रूढ़ियों के दास नहीं बनते। उनकी नैतिकता उनके आत्मविवेक द्वारा सर्जित नैतिकता है। वे कहीं भी रटी रटाई नैतिकता का अनुसरण नहीं करते, वे अपनी राह स्वयं बनाते हैं, वे अपनी नैतिकता स्वयं गढ़ते हैं। और उनकी रची नैतिकता इतनी सहज है कि वह हर काल में, हर युग में, हर वर्ग में स्वीकार्य हो जाती है। राम की नैतिकता युगातीत है, राम की नैतिकता समय की सीमाओं के पार है, इसीलिए राम युगातीत है। यदि लोक प्रचलित परंपराओं के द्वार पर राम का विवेक घुटने टेक देता तो लोक के अनुसार पत्थर हो चुके अहिल्या जीवित न हुई होती। यदि लोक प्रचलित परंपराओं के हाथों राम का आत्मविश्वास बिंध गया होता तो मिथिला के स्वयंवर सदन में महादेव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का साहस राम कैसे जुटा पाते, वो भी तब जब उस समय के तमाम महाबली इस प्रयास में विफल होकर लज्जा की टोकरी में मुंह छुपाए पड़े थे। शिव धनुष की साधना राम के निशंक आत्मबल की धमक से संभव हो सकी। वे शिव के धनुष को तुच्छ समझकर उसे साधने का उपक्रम नहीं करते, बल्कि पूर्ण विनय के साथ
शिव धनुष को प्रणाम करके उसे स्पर्श करते हैं। ऐसी विनम्रता के आगे भला कौन सा शस्त्र नतमस्तक नहीं हो जाएगा। यदि आवेश में उठाने गए होते तो ऊर्जा का समस्त कोष आवेश प्रकट करने में नष्ट हो गया होता, फिर केवल बाहुबल से शिव चाप को हिलाना मुश्किल होता, असंभव होता। राम आवेशातीत हैं, राम उद्वेग से अछूते हैं। वे मां जानकी का हरण करने वाले रावण पर भी आवेश में आक्रमण नहीं कर देते। उन्माद जैसे तत्व तो राम के चरित्र के साथ मेल ही नहीं खाते। इसीलिए एकांत में किसी स्त्री का हरण करने वाले पापी से भी राम एकाएक युद्ध नहीं करने लगते, बल्कि बिना युद्ध के उसे ये अवसर प्रदान करते हैं कि वह अपने पाप को अपराध मात्र मानते हुए प्रायश्चित कर सके। रावण जिसने राम की अर्धांगनी का छल बल से हरण कर लिया था, उसके लिए मृत्यु के अतिरिक्त विकल्प सोचने वाले नायक को ही राम कहा जाता है। राम इसलिए आदर्श नहीं है कि वे अवध छोड़कर वनवास जाते समय व्याकुल नहीं हुए। राम इसलिए भी आदर्श नहीं है कि सीता हरण के बाद उनमें रावण के प्रति क्रोध नहीं बल्कि जानकी के प्रति करुणा जागी थी। राम इसलिए भी आदर्श नहीं है कि लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने पर वे प्रतिशोध की अग्नि में जलने के स्थान पर धीरता पूर्वक लक्ष्मण के उपचार का उपाय खोजते दिखाई देते हैं। वे तो इसलिए आदर्श हैं कि इंद्रजीत की मृत्यु के उपरांत वे उसके अंतिम संस्कार तक युद्ध विराम की घोषणा करते हैं। राम इसलिए आदर्श हैं कि रावण विजय के पश्चात वे माल्यवान और मंदोदरी का अपमान नहीं होने देते। राम इसलिए आदर्श हैं कि युद्ध में विजित होकर भी वे झपट कर माँ सीता से मिलने नहीं चल पड़ते। राम इसलिए महान नहीं है कि उन्हें अपनी पराजय के सामने धैर्य धरना आता है, वो तो इसलिए महान है कि अपनी विजय के क्षण में भी वे धीर हैं, अपनी विजय के समय वो उदात्त हैं। वे युद्ध करते अवश्य हैं किंतु युद्ध से एकाकार नहीं होते, युद्धरत नहीं हो जाते। वे रावण जैसे वीर योद्धा का वध करने के बाद भी उतने ही शांत रहते हैं जितने अवध से प्रस्थान के समय थे। वे युद्ध में डूबे हुए उद्वेगी के समान रावण के शव के चारों ओर पार्श्विक नृत्य नहीं करते, बल्कि वे उस पराजित की विद्वत्ता का सम्मान करके उसका विधिपूर्वक अंतिम संस्कार करने की व्यवस्था करते हैं। राम और रावण में इसी उदात्तता का अंतर है। विपरीत परिस्थितियों में संयत रहने वाला राम हो गया और अपेक्षा की उपेक्षा होने पर आपा खो देने वाला रावण हो गया। यही कारण है कि राम की हमारे अंतःकरण में जो छवि है वह एक उदात्त नायक की छवि है। क्रोध कभी घटित भी हुआ तो इतना प्रक्षालित होकर घटित हुआ कि जिस पर क्रुद्ध हुए वह स्वयं विनत हो गया। सागर का अहंकार राम की विनम्रता के आगे पानी पानी हो गया। राम इतने विनम्र हैं कि जिस रावण से युद्ध करने जा रहे हैं उसके दरबार में बैठे दरबारी ही राम की भलमनसाहत के हवाले से रावण को आत्मसमर्पण की सलाह देते हैं। यह चमत्कार नैतिकता के आत्मबल के सिवाय अन्य किसी माध्यम से संभव नहीं। राम की कीर्ति ध्वज उनकी नैतिकता के ध्वजदंड पर फहराती है। इसीलिए राम का भक्त भी विवेक और विनम्रता की इस मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर पाता। पूंछ जलाने जैसे अपमान के बावजूद हनुमान इतने सविवेकी थे कि उनके द्वारा भड़काई गई लपटों ने अशोक वाटिका की ओर प्रस्थान नहीं किया। आसन न दिए जाने के बावजूद अंगद ने रावण के दरबार में अपने दूत कार्य की सिद्धि के बाद कोई पराक्रम नहीं दिखाया। इसीलिए राम भक्ति की प्रथम वरीयता है विनम्रता। राम साधना का प्रथम सोपान है शांति। राम सिद्धि का प्रथम प्रमाण है उदात्तता। इसीलिए राम युद्ध का घोष नहीं बल्कि अध्यात्म की लय बन जाते हैं। इसीलिए राम बोलने के बाद अधर बंद हो जाते हैं, मानो कह रहे हो अब कुछ और बोलना शेष नहीं है। राम राम।